हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोगों को पता है कि विंटर में स्प्रिंग ओनियन बहुत ही ज़्यादा मिलता है मार्केट पे, और इस स्प्रिंग ओनियन से आप बहुत तरीके की रेसिपी बना सकते हो जो कि खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब टेस्टी होता है। तो आज मैंने बनाई है स्प्रिंग ओनियन की यही सब्ज़ी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं ये सब्ज़ी। स्प्रिंग ओनियन की ये मज़ेदार लाजवाब रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्प्रिंग ओनियन। इसे मैंने अच्छे से पानी में धो के इसे अच्छे से काट लिया है। एक कटे हुए आलू, यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का एक ही आलू लिया है, और सब्ज़ी में मैंने लिया है ये शिमला मिर्च, एक कटे हुए प्याज, एक छोटा वाला प्याज ऐसे लंबा लंबा करके मैंने काट लिया है, ग्रीन मटर और दो हरी मिर्च, ये है धनिया के पत्ते, सरसों एक चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, रेड चिल्ली पाउडर एक चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार। तो ये सब हमें चाहिए सामग्रियाँ ये रेसिपी के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। पहले कढ़ाई को गरम करके इसमें थोड़ा सा तेल गरम कर देते हैं। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल यूज किया है। तेल के गरम हो जाने के बाद हम हरी मिर्च डाल देते हैं। फिर सरसों को डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को थोड़ा सा ऐसे भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको प्याज के साथ मिला लेते हैं। फिर अब इसमें आलू को डाल देते हैं। आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। अब हम इसमें नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे ताकि आलू जल्दी पक जाएगी। अब इसमें शिमला मिर्च डाल देते हैं। इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं और 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब ग्रीन मटर मिला लेते हैं इसमें। अब इसमें रेड चिल्ली पाउडर मिला लेते हैं और इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। फाइनली इसमें डालेंगे हम जो है हमारा स्प्रिंग ओनियन जिसे हम कट करके रखे थे, इन सबको मिला लेते हैं। इसको अब कवर करके छोड़ देते हैं 5 मिनट तक। फिर कवर हटा के देखिए लगभग सब्जी आपकी पक गई है। थोड़ा सा पानी इसमें से एवापोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं और हम फाइनली जितना नमक चाहिए रेसिपी के लिए वो डाल देते हैं और इन सबको मिला लेते हैं। फिर इसको कवर करके और थोड़ा 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। देखिए 2 मिनट बाद सब्जी पूरी तरह से पक गई है। हम सब्जियों को एक साइड पे कर लेते हैं ताकि इसमें से एक्स्ट्रा तेल जो निकल जाएगा। देखिए रेसिपी रेडी है। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और पास में जो बेल आइकन है इसको भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।